हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप लोग देख रहे हो, जब भी हम लोग घर धोते हैं तो बाहर जो सड़क है हमारी अभी बनी नहीं है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, कंकड़ पत्थर रहते हैं। तो उस वजह से मम्मी थोड़ा सा छिड़काव कर देती हैं कि इससे मिट्टी अच्छे से दब जाए, धूल मिट्टी ना उड़े ज़्यादा। तो ये जो कुछ सामान है ये कल रह गया था मम्मी से। ये चावल के 2 पैकेट हैं, ईडो के पैकेट मंगाए हैं हमने 5। ये ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, रसना के 2 पैकेट हैं, ये कस्टर्ड पाउडर, मैगी के 2 पैकेट। बड़े पैकेट नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, तो सिर्फ 2 ही पैकेट ले आए हैं। तो ये है साल्ट्री, सोयाबीन की बरी, श्री जी का गुलाब जामुन पैकेट, ये ढोकले का पैकेट, खमन ढोकला, सेमई के 5 पैकेट हैं, मैक्रोनी है, और इसमें कुछ खाने पीने के साथ। ये मेरी फेवरेट आलू भुजिया, कुछ पिस्ते के पैकेट हैं। तो अब तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सब्जी वाले और फ्रूट्स वाले यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहीं से ही ले लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादातर बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पहले नहीं आ रहे थे, पहले मैं बता दी थी आप लोगों की सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं तो फिर मार्केट जाना पड़ रहा था, लेकिन अब तो यहीं पर ही आ जा रहे हैं। और फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे तो इसलिए वही भाई यहाँ पर ले रहे हैं। तो बस यहाँ पे चल रही है इफ्तारी बनाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले बना के रख रही हूँ जिससे ठंडा हो जाएगा। मैं बना रही हूँ पुदीने का शरबत, और उसमें मैं क्या क्या डालूँगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे शक्कर पीस के रख ली है, क्योंकि शक्कर को घोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैंने पहले से ही पीस ली है। और इसमें लगेगा भुना हुआ ज़ीरा, तो वो भी मैं पीस लूँगी। तो बस यहाँ पे ये मैंने शक्कर और भुना हुआ ज़ीरा दोनों साथ में डाल दिया। मोटी शक्कर होती है तो बहुत टाइम लगाती है घुलने में, और ये मैंने डाला काला नमक इसमें थोड़ा सा, और यहाँ पे नींबू का रस, और साथ में मैं थोड़ा सा पुदीना पीसूंगी, ग्राइंड करूंगी मिक्सर में एकदम बारीक। तो यहाँ पे मैंने कुछ पुदीना की पत्तियाँ ली हैं, और ये जो पुदीना है हमारे ऊपर वाले जो गमले में लगा हुआ था वही वाला पुदीना लेकर के आई हैं मम्मी, तो एकदम ताज़ी है, एकदम फ्रेश है एकदम। इसको बारीक कर लेंगे और इसको छलनी से छान के इसमें डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये शरबत, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, इसका एकदम जलजीरा वाला टेस्ट आता है, जो हम जलजीरा पीते हैं ना जिसमें पकौड़ियाँ डली रहती हैं, जो हमारी कॉलोनी में पहले मटके में भर के लेकर के आते थे, तो वो वाला टेस्ट लग रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी था।
बन रही है कबूली, क्योंकि आज हम लोगों ने डिसाइड किया था दिन में ही कि हम कबूली बनाएंगे इफ्तारी में भी, तो बस कबूली बन रही है और ज़रदा भी बनेगा साथ में। तो ये कबूली बनाना एकदम सिंपल है, कबूली भी बन रही है। एक साइड में मैंने जर्दे के लिए भी पानी रख दिया है, उसमें कलर डाल दिया है, तो बस उसमें प्याज डाला था पहले, उसके बाद थोड़े से गरम मसाले डाल दिए थे खड़े, और उसके बाद में मिर्च, जब प्याज अच्छे से फ्राई हो गई थी उसके बाद में मिर्च डाली थी, और फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। बस इस तरीके से अभी मसाला भुन रहा है, और इसमें नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। मसाला अच्छे से भुन जाए, तेल अच्छे से छोड़ दे मसाला, उसके बाद में बस दाल डाल देनी है, चने की दाल भिगोई हुई। चने की दाल हमने दिन में ही भिगो दी थी, वैसे भी चने की दाल बहुत जल्दी मतलब फूल जाती है, ज़्यादा देर तक उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, और हम बिल्कुल लास्ट टाइम पे ही बना रहे हैं, तो हम उसको हल्के से गर्म पानी में भी रख सकते हैं, जैसे चने की दाल बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो बस यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया था, तो उसके बाद ये दाल इसमें डाल दिया। और उसके बाद में बस चावल डाल देने हैं धो करके, और उसके बाद पानी, जितने हमने चावल लिए थे उसका दुगना हमें पानी डालना है इसमें। और एक कमेंट आया था मेरे पास में कि दी आप चावल कैसे बनाती हो, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं बताऊं आपको, मैं तो कटोरी से चावल को नापती हूँ, तो जो एक कटोरी मैंने चावल बनाए हैं तो 2 कटोरी मैं उसमें पानी ऐड करती हूँ, तो इस तरीके से हमारे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो इसमें मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला भी पिसा हुआ ऐड कर दिया है, होममेड गरम मसाला था, हमने खुद से बनाया था, और बस इसके बाद में इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। और यहीं पे जर्दे का पानी भी बॉईल अच्छे से हो गया, उसके बाद में ये गैलेक्सी चावल भिगो करके रख दिए थे उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको गलने तक पकने देंगे। और इसको बहुत सारे लोग मीठे चावल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं पोहा, और मूंगफली वाले पोहे मुझे बहुत पसंद है, और प्याज के साथ में तो बनते ही हैं, लेकिन मूंगफली भी होनी चाहिए साथ में। और आप लोगों को पता है कि जो मार्केट में मिलते हैं भाप वाले पोहे जैसे बोलते हैं स्टीम वाले, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो घर में अच्छे से नहीं बना सकते हैं, तो फ़िलहाल के लिए यही बना दिया जल्दी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी डायरेक्ट बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से, शाम में रोज़ा इफ्तार करने के बाद में नमाज वगैरह सबसे फारिग हो गए हैं, बस मम्मी अभी खाना बना रही हैं, क्योंकि नमाज के बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और खाने में आज हमने बनाया था, अभी तो मम्मी फिलहाल के लिए बैंगन आलू बना रही है, बैंगन आलू की सब्जी है, रोटी है, और इफ्तारी में हमने बनाया था कबूली और जर्दा और पोहा, आप लोगों ने देखा था, तो बस वही हमारा इफ्तार था। और अभी तो हम सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा सुबह से मैंने आप लोगों से बात नहीं करी है, तो इसलिए अब बात कर लेती हूँ। और मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी भी सुनानी थी, जिसका आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि बुलबुल तुम अपने ससुराल कब जाओगी, तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब मैं अपने घर जाऊंगी। मैंने मेरे पापा ने बात करके रखी हुई है उनके सर से, अगर 1-2 दिन में मुझे परमिशन मिल जाती है तो इंशाल्लाह से मैं कल या परसों अपने घर जाऊंगी अपने ससुराल। तो बस दुआ तो मैं यही कर रही हूँ कि अल्लाह ताला बस मुझे परमिशन मिल जाए और मैं अपने घर चले जाऊं, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि हम लोग इधर से उधर जा सके। तो आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द अपने घर चले जाऊं। मेरा घर है, मैं चाहे जितने दिन रुकूं यहाँ पे, जितना भी मेरी मर्जी है मैं रुक सकती हूँ, मेरे घर वालों को कोई
वो नहीं है कि तुम इतने दिन तक रुक रही हो या कुछ, लेकिन दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रुके हुए हैं ससुराल में। मतलब मेरे हस्बैंड का ससुराल है, मेरा मायका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत जलन हो रही है कि ये क्यों रुके हुए हैं। अच्छा, वो सब जानते हैं कि वो लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कमेंट करना है कि तुम्हारे हस्बैंड कोई काम नहीं करते हैं इसलिए वो यहाँ रुके हुए इतने दिन के लिए। अब बताओ, आपके हस्बैंड जा रहे हैं क्या शॉप वगैरह पे कोई काम करने के लिए? ऐसे ही वो भी हैं, अभी नहीं जा रहे हैं कहीं पे भी, क्योंकि हम भी तो यहाँ पे हैं ना। तो चलो इसी के साथ में कुछ कमेंट के भी ले लेते हैं। तो सादिया इमरान जी बोल रही हैं कि फैजान के फादर कहाँ पे हैं। तो फैजान के पापा जो हैं वो दिल्ली में हैं, वो ऑफिस के कुछ काम से गए हुए थे वहां पे, और वहीं पे फिर पता चला कि लॉकडाउन हो गया है, तो इसी वजह से वो वहां पे रह गए हैं। तो अभी वो फिलहाल के लिए दिल्ली में ही है। तो एक हमारी सब्सक्राइबर है निदा, उन्होंने बोला है नाम लेने के लिए। तो निदा जी, मैंने आपका नाम ले लिया है, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आप को बहुत सारी खुशियाँ दें, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहें, मुझे मेरी वीडियोस को देखते रहें। तो एक और कमेंट था, प्रमोद जी बोल रहे थे कि दाढ़ी वाले शख्स कौन है, तो वो मेरे मामू हैं। और एक और कमेंट था कि जो सूट है वो लवली बाजी ने कब लेकर आई और उन्होंने क्यों दिया मुझे। तो लवली बाजी यही मुरैना से ही लाई थी, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उस टाइम पे मुरैना से ही लिया था उन्होंने मेरे लिए, और मेरा एनिवर्सरी थी 29 मार्च को, तभी उन्होंने मुझे दिया था वो। मेरी मम्मी ने भी दिया, मेरी खाला ने भी दिया, नानी ने भी दिया, सब ने मुझे ड्रेस दिलाई है 29 मार्च को। आप सब लोग पूछ रहे थे कि एनिवर्सरी थी आपकी तो आपने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया, बस ऐसे ही मन नहीं किया मेरा। तो चलिए, ये तो हुए कमेंट, तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि सभी लोग क्या कर रहे हैं आगे। तो चलिए दिखाते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं आगे बैठ के। तो ये देखो, सब लोगों का चल रहा है यहाँ पे मोबाइल। ये बैठे हैं लवली बाजी हमारी। फैजू क्या बोल रहे हैं? तोतले, ये देखो तोतले को। तो ये देखो मम्मी यहाँ पे कर रही हैं सोफा सही। तो ये है हमारी नानी, यहाँ पे लेटी हुई है। अभी आप लोग बोलोगे कि नानी लेटी हैं तो उनके ना पूरे बॉडी में पेन रहता है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा उठ बैठ नहीं पाती हैं। हाँ भाई, चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत हालत हो रही है हमारी तो, बहुत दर्द रहता है पूरी बॉडी में, हाँ। बहुत तबीयत खराब है, बहुत साल हो गई हमें। तो नानी के पूरी बॉडी में पेन रहता है, तो इसलिए वजह से वो उठ बैठ नहीं पाती है ज्यादा अच्छे से, क्योंकि उनके पूरे नसों में दर्द रहता है। और पता नहीं, बहुत ज्यादा इनका इलाज भी कराया हर एक जगह पे, लेकिन फिर भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ है। पूरे हाथ पैर भी टेढ़े पड़ रहे हैं, क्या करें। तो दर्द की वजह से पूरे हाथ पैर भी इनके टेढ़े से हो गए हैं, देखो यहाँ पे मैं दिखा हूँ आप लोगों दर्द को, हो रहे हैं, ये देखो पैर मैर उंगलियां सब दर्द टेढ़े हो गए सब। हाथ ऐसे करके उठा पाते हैं, ऐसे करके हाथ रह गया है, कोई मतलब चीज पैर पकड़ में है, नहीं हर एक आती, चीज। बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें दर्द की। तो नानी के भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आप लोग भी दुआ करना नानी के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इलाज तो उनका बहुत चला है, दिल्ली वगैरह में भी इलाज करवाया ना नानी, अरे सब मुंबई जगह में, करा दिया, दिल्ली में भी, ग्वालियर में भी, न्यूरोलॉजी बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट भी, सरकारी भी, सभी तरह के इलाज करा दिए, देसी भी करा दिए, सभी अस्पतालों में भर्ती भी हुआ है, कोई फायदा नहीं पड़ता कोई चीज से, और ज्यादा परेशानी आ जाती है। अब तो बिल्कुल इतनी हालत हो गई है कि बैठना मुश्किल हो रहा है, उठना बैठना नहीं हो पा रहा। वो भी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ पाती हैं जब कोई वो चीज़ दर्द की हो, गोली खा लेते हैं जब, और क्या। उसका असर पड़ जाता है जब उठ के बैठ पाते हैं, नहीं तो हर बात को परेशान है।
कपड़े उतारना पहनना हर चीज की परेशानी है वक्तों में। बस वही तो, और क्या, अल्लाह ताला बस जल्दी से जल्दी ठीक कर दे इसको, क्योंकि ये जो बीमारी है पता नहीं चल रहा है कि क्या बीमारी है ना, कुछ अलग सी बीमारी है। डॉक्टर बता ही नहीं रहे क्या बीमारी है इसका, कोई वो ही नहीं है इसका, कहते कि ये बीमारी है वो बीमारी है, वो खुद नहीं समझ पाते कि ये है कौन सी बीमारी। मेरी छोटी नानी है, उनको भी यही वाली प्रॉब्लम है, उनके भी हाथ पैरों में दर्द रहता है पूरे में, नसों नसों में दर्द रहता है एकदम से उनके, उनके भी हाथ पैर टेढ़े पड़ गए हैं, मेरी छोटी बहन के भी। हाँ। वो भी ऐसी हो रही है, क्या करें, पता नहीं कौन सी बीमारियां, इनका ना तो कोई इलाज है ना इनका कोई नाम है, कोई डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे इस चीज को कि कौन सा मर्ज है कौन सी बीमारी है, समझ में नहीं आ रहा, बस वो अपना दवा दे देते हैं एक्सरे कर देते हैं, तो वो तो यही सोचते हैं ना दर्द है कि दर्द की गोली खाओ और बस ठीक हो जाओगी। हाँ, अब कोई मजाक पे ले जाते हैं, कोई कहते हैं अरे अब तो तुम्हें क्या करना है, ऑपरेशन करवा लो 2 लाख रुपए खर्चा आएगा, अब हम ऑपरेशन करवा के अभी काय के लिए करवाए मरते टाइम, उनको खुद नहीं पता चल रहा है ना कि वो किस चीज की दवा दें। और क्या, तो बस हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अब तो जल्दी समय उठा ले तो अच्छा है। अरे नहीं, क्योंकि हर चीज के लिए मोहताज हो गए हैं, कौन करेगा, देखो कोई हमें नहला देगा, कपड़े पहन धुला देगा, खाना बना के खिला देगा, पर हमारी दर्द कौन करेगा, वो खाना पेशाब है, उठना बैठना है, खाना पीना है, वो हम कुछ ही नहीं कर पाते ना, हर चीज के लिए परेशान हो गए, मोहताज हो गए हम, बस ठीक कर देंगे अल्लाह ताला, कुछ नहीं, बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जल्दी से अब उठा ले, बस अब हमें कुछ नहीं देखना, सब कुछ देख लिया, मिल लिए मेरी नानी से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे अपनी नानी से मिलवाओ, अब नानी से क्या मिलोगे नहीं आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं सब लोग, अपनी नानी से मिलवाओ, बातें करवाओ नानी से, नानी क्या करे बेटा, ऐसे ही है, जब दर्द उठता है तो कुछ भी नहीं दिखता, जब वो दर्द गोली खा लेते हैं उसका असर हो जाता है तो इतना भूल भी रहे हैं, और क्या करें, चलिए ठीक है, लोग भैया खुश रहे सब सबको अच्छी अच्छी तरह खुशी से अपने रमजान, सबके खुशी खुशी से रमजान निकले, और क्या, सबके लिए अल्लाह पाक, दुनिया में बीमारियां फैल रही है, कोरोना की अल्लाह पाक से सबको निजात फरमाए, बस बस यही तो दुआ कर रहे हैं सब लोग की, बस जल्द से जल्द इसका खात्मा हो जाए, दुनिया से चला जाए, और हम तो इतने मजबूर हो गए कि देखो बेटी के घर फंसे रह गए, अपने घर नहीं जा पा रहे, मेरा घर सुनना पड़ा है, ताला पड़ा है घर में, कोई भी नहीं है, हम माँ बेटे अकेले हैं, अब दोनों माँ बेटे इधर ही फंस गए, इधर नवासे की मंगनी थी, मंगनी कैंसिल हो गई, हम इधर ही फंस के रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे, क्या करें, घर सुनना पड़ा है घर में, कोई भी नहीं है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो मिल लिया आप सभी लोगों ने, हमारी नानी कैसी लगी आप लोगों को, और ये मिली है मेरे हस्बैंड से, आप कैमरे में क्यों नहीं आ रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि कैमरे में नहीं आ रहे आप लोग, हाँ जी दीदी जी आ गए, खुश, सब खुश हैं शायद खुश हो जाए आपको देखकर, क्योंकि सब लोग मुझे ही बोलते हैं ना कि आपने छुपा के रखा है अपने हस्बैंड को, लेकिन मैंने छुपा के रखा है क्या आपको बताओ, नहीं ना, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, चलिए अब विदा लेते हैं आप लोगों से, मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।